तो मिलिए मेरे बचपन के दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो यार, आप में से कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि यार आप रेगुलर व्लॉग्स अपलोड क्यों नहीं करते। तो यार ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करना, मैं भी चाहता हूँ कि मैं रेगुलर अपलोड करूँ, लेकिन जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ ना तो कुछ ना कुछ अजीब ही हो जाता है। अजीब मतलब कि कुछ ना कुछ चीज़ मेरे रिश्ते का कांटा बन ही जाती है। तो इस पर मेरे रिश्ते का कांटा यार मेरे इंटर का रिजल्ट बना। मतलब यार जहाँ हर तरफ 1100 का ट्रेंड चल रहा है, वहाँ भी हम बस पास ही हुए हैं, तो खास नंबर नहीं आया। तो एक तो इस दफ़ा मेरे रिश्ते का कांटा यार मेरे इंटर का रिजल्ट बना, वो खास अच्छा नहीं आया, तो यार मूड ख़राब हो गया था, फिर वीडियो बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। और एक और मेरा रिश्ते का कांटा, जब भी वीडियो बना रहा हूँगा ये एक छोटा नमूना सा मेरा रिश्ते का कांटा है। हेलो फातिमा, कैसी हो? जब भी वीडियो बना रहा हूँ इन्हें तभी रोना याद आ जाएगा, तभी इन्हें शोर करना याद आ जाएगा। खैर, तो आज हमने जाना है अपने एक पुराने दोस्त को मिलने, तो आइए चलते हैं। आपने भी चलना है? चलो ठीक है, चलते हैं। मिले मेरे मल्टी टैलेंटेड सुपर टैलेंटेड दोस्त से, बचपन के दोस्त से एसेंस। मैंने मुजा करने लग गया, सॉरी। तो मिले मेरे बचपन के दोस्त एसेंस से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। मैं वजाद भाई का दोस्त, बचपन का दोस्त। लोगों के बचपन के प्यार होते हैं, हमारा बचपन का यार है। तो यार बचपन में एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे इकट्ठे, लेकिन उसके बाद फिर हम मेरा स्कूल मैंने चेंज कर लिया, ये भी किसी और स्कूल में चला गया, फिर दूरियाँ बढ़ गई, दरार आ गई, जो भी सब कुछ। लेकिन उसके बाद थैंक्स टू कोरोना, कोरोना में हमारी वैसे हमारी बातचीत होती थी लेकिन बस हेलो हाय तक ही। लेकिन बाद में जब कोरोना आया तो सारे वेले थे, ये भी वेला मैं भी वेला, तब हमने सही करके बातें की और फिर से हमारी वो पुरानी दोस्ती पहली जैसी हो गई। असल में मज़ा ये था कि ना, ये असल मज़े की बात है ना, इसको कोई मुंह लगाता था ना मुझे कोई मुंह लगाता था, तो हमने कहा हम आपस में बातें कर लेते। मैंने कहा एक वजात होता था मेरा दोस्त, मैंने कहा चलो उससे से बात कर लेते, वो भी मेरी तरह वेला ही हो गई, इसे रग रग से वाकिफ है हम इसकी। भाई ये बात थी, हम दोनों असल में स्कूल में मिले थे, सबसे पहले हम नर्सरी में बैठे। अच्छा, एक और बात, मुझे बचपन की बात याद भी नहीं है, सारे मुझे बचपन के किस्से भी यही याद दिलाते हैं कि हमारे साथ हम कैसे थे, क्या थे, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आपस की बात है, मुझे लगता है इसको कोई एलियन पकड़ के ले गया था, इसका ब्रेन वॉश कर दिया। तो नर्सरी प्रेप में हम पढ़ते थे, पहला मुझे याद है जैसे हम कमरे में जैसे एंटर हुआ था मैं, तो ये सब बैठे थे, एक टेबल थी, छोटी छोटी टेबलें होती थी, तो एसी लगा हुआ था उस रूम में, तब नए नए आए थे ना, नए नए बच्चे थे, समझा करो। तो ये सब बैठे तो आपस में बातें हुई, तो दोस्त बन गए हम सब। फिर उसके बाद हम नर्सरी प्रेप से लेकर पाँचवीं तक साथ रहे, फिर उसके बाद हमारी राहें जुदा हो गई, दरार पड़ गई, हम सब की दोस्ती लहदा लहदा हो गई। यार इसे मल्टी टैलेंटेड मैंने इसलिए कहा था क्योंकि भाई साहब फोटोग्राफी भी करते हैं, फोटो एडिटिंग भी करते हैं, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी करते हैं ना, सिंगिंग का शौक भी है, तो इसलिए बस सारे हम निकम्मे पढ़ाई में रह गए, बाकी हर चीज़ में सही थे हम। तो यार जैसा मैंने कहा कि मल्टी टैलेंटेड है, अभी बैठे बैठे इसका एक और टैलेंट हमने दरियाफ्त कर लिया। हाँ भाई, टैलेंट चेक करो भाई का। इतना टैलेंटेड एक बंदा कैसे हो सकता है यार। तो यार हमने काफ़ी गपशप लगाई, मुल्क के यार बड़े अहम मामलात में हमने गपशप किया है, देखते हैं अब क्या बनता है। लाला 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 तब ठीक है, मेरे जाने का वक्त हुआ जा रहा है यार, मगरिब हो गया है, मैंने भी जिमनेजियम जाना है और ये तो है ही वेला। चलो ठीक है भाई, चलता हूँ, फिर मिलते हैं, गपशप होती रहेगी फिर, हो जाएगी। ओके। तो यार किसी ने सही कहा कि अगर तुम कोई काम जल्दी में करते हो ना तो उस काम को करने का जो तुम्हारे अंदर डर होता है वो खत्म हो जाता है, बल्कि तुम बिल्कुल ही फेयरलेस हो जाते हैं। और कल ही कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ यार, जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना कुछ अंदर डर सा रहता है यार, कैमरे के सामने आने का हिचकिचाहट सी कह लो। लेकिन जब कल मैं सर के पास गया था व्लॉग बनाने, तो हमें जल्दी थी, मैं कल इसी टाइम ही गया था सर के बाद ही, उसके घर गया था, हमें जल्दी थी कि मगरिब ना हो जाए और हम शूट ना कर सकें, और मगरिब हो भी गई थी, हम लेट हो गए थे, हम गपशप में इतना मसरूफ हो गए, टाइम का पता ही नहीं चला। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम जल्द से जल्द वीडियो बना लें ताकि अंधेरा ना हो जाए और हमारी वीडियो क्वालिटी ख़राब ना हो जाए। तो फिर जब हमने जल्दी जल्दी व्लॉग बनाने की कोशिश की ना, तो मैंने नोट किया कि यार हम वैसे थोड़ा हिचकिचाते हैं कैमरे के सामने, लेकिन कल हम बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कैमरा के सामने, बोले कि जल्दी करने का फ़ायदा हो जाता है। मैं सोच रहा था सारे ऐसे लास्ट मोमेंट पे व्लॉग्स बनाऊँ ताकि मेरे अंदर फियर है वो ख़त्म हो जाए और मैं कॉन्फिडेंट होकर व्लॉग बनाऊँ। अभी मेरा सांस थोड़ा फूला हुआ है इसलिए थोड़ा इस तरह बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़े सीढ़ियाँ से ऊपर नीचे उतर जाता हूँ।
छोड़ो रहने दो, क्या बोल रहा हूँ मैं। खैर मिलिए इनसे हर साल की तरह हंस पे मामूल, इस साल हंस पे मामूल हंस पे रिवायत, इस साल भी अपना जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा ये तुड़वा कर बैठे हैं। जी भैया इतना सीरियस की बैठे चपेड़े मार के बैठे थे मैंने तो यार हर साल इसके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा टूटता है, इसके अब दोनों बाजू दोनों टांगें और क्या क्या टूटा हुआ, नाक भी टूटा हुआ है। और मजीद एक्सप्लेन करें आप खुद ही चुप करके। तेरे जैसे दोस्तों उसको मजीद कुछ जरूरत है क्या? ऐसा कोई जाहिल और बेमुरव्वत शख्स है, मेरे एक्सीडेंट को इतना अरसा गुजर चुका, ये चाहता था मैं मजीद बीमार रहूं ताकि इसका व्लॉग बन सके यार, ताकि रियलिस्टिक लगे ना। अब इसने पट्टी वगैरह उतार दिया, मैं कहा चलो पट्टी वगैरह लगा के आएगा, पता लगेगा कि सच में एक्सीडेंट हुआ। ऐसे आप लोग यकीन करोगे बताओ? नहीं, ये व्लॉग जल्दी बना सकता था, मुझे देर तक बीमार रखने की क्या जरूरत थी उसमें। यार वो आपको पता है सुस्त हैं हम थोड़े, फिर यार तो भाई की सुस्ती को जानता नहीं है, तू थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता थोड़ा और बीमार रह जाता। तो इस बार भाई साहब अपने ये इस हाथ की इस उंगली की हड्डी तुड़वा के आए बैठे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको क्योंकि फ़िलहाल सही हो चुकी है वो है ना भाई? जी जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इसका छोड़ो, इसका तो हंस बेमामूल हर साल एक्सीडेंट होता रहता है। आपको आज सुबह की मैंने एक बात बतानी है। तो यार आज आपको सुबह की बात बताता हूँ। आज जब मैं उठा मैंने अपना इंस्टाग्राम ऑन किया तो एक बड़ा एक प्यारा सा मैसेज आया हुआ था, वो मैसेज आपके सामने है। यार दिल से अच्छा लगा यार जब आपने ये मैसेज दिया, यार दिल से अच्छा लगा। पहली बार मुझे ऐसा कोई मैसेज, तो यार दिल से अच्छा लगा जब मैंने मैसेज देखा, अभी अंदर नहीं साइड पर रहा था। तो इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह हम भी रेगुलर अब होने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं भाई, क्या चाहते हैं तो क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? बंदा ऑन एयर जा रहा होता है, कुछ शर्म करो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बता। छपा कराई उन्हें बतानी है मुझे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धूप में हो जैसे छांव कोई, तेरा साया भी कितना हसी, ख्वाब में भी मैंने सोचा नहीं मिलेगा तुम सानशी, दिल चूमे तेरे संग ये जहाँ तुम हो वो जहाँ।